आता है अनिल चोपड़ा 5 लाख वोटों से जीतेगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो अच्छे काम करवाती, तक यहाँ साबरा का विकास ही कांग्रेस ने करवाया, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। सरकार बदली मोदी की, रेल बेच दी, शिक्षा बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, नहीं कराओ मोदी ने वोट मिला। गरीबों की बीजेपी सुनाई नहीं करती है कभी भी। राज्यवर्धन ने 10 सालों के अंदर चोर चोर कांग्रेस का चोर सारा काम एक कांग्रेस का किया हुआ है। GST 3% है, एक शिक्षा की किताबों के 18% ले रहे हैं, ये बीजेपी का ही कारनामा है। राजस्थान प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, रण छिड़ चुका है और 2 फेज में चुनाव होने हैं, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की, तारीखों का ऐलान किया, तमाम जो नेता थे, तमाम जो पार्टियां थी, अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हर कदम पे हर साहस के साथ लड़ने को तैयार हैं। हाल फिलहाल मैं जयपुर ग्रामीण के एक सापुरा कस्बे में खड़ा हूँ, जहाँ पे तमाम ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कास्टकार लोग बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या समीकरण यहाँ का है। बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी के राजेंद्र राव सिंह जो है यहाँ पे ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, वहीं पे बात कर ले कांग्रेस के अनिल चोपड़ा की, अनिल चोपड़ा भी लगातार यहाँ पे दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। सापुरा कस्बा है, बड़ा कस्बा है, लाखों में जनसंख्या है। शुरुआत हम यहाँ से कर लेते हैं सापुरा से, क्योंकि चुनावी नगरी है और चुनावी नगरी के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको समीकरण दिखाएंगे और समीकरण के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से कौन जो कैंडिडेट है वो भारी पड़ता, किस पर बड़ी पड़ता नजर आ रहा है। आपके पास आना चाहूंगा, पहले क्या नाम आपका? पहला जी, लगातार दावे किए जा रहे हैं राव राजेंद्र सिंह ताल ठोक रहा है सापुरा से कि हम ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतेंगे सापुरा से, क्या लगता है आपको? नहीं जीतेंगे, अनिल चोपड़ा जीत रहा है यहाँ से। वो ऐसे जीत रहा है, कांग्रेस से हर आदमी परेशान, इस बीजेपी से परेशान है, इसलिए। किस प्रकार से परेशान है बताएं थोड़ा? दुखी है हर चीज से, पानी से, बिजली से, कोई सुनाई नहीं होती है, गरीबों की बीजेपी सुनाई नहीं करती है कभी भी। अरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपके सांसद, राज्यवर्धन ने 10 सालों के अंदर जैसे नहीं किया, वो यही नाम तो कभी दर्शन नहीं किया राज्यवर्धन का। यहाँ लगातार दावे कर रहे हैं, वो जयपुर में दावे करते नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे करते नजर आ रहे हैं कि हमने ग्रामीण जो क्षेत्र है जयपुर का, उसमें हर सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया है। हमने तो कभी देखा ही नहीं यार कोई सुविधा राज्यवर्धन ने, हमने तो कोई की नहीं, उसने हमारे सामने तो कोई आई नहीं सुविधा, कोई नया काम नहीं किया उसने। बात शिक्षा की कर लें, बात युवाओं के रोजगार की कर लें, कुछ नहीं किया यहाँ तो हमारे सापरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि इस बार कितने मतों से अनिल चोपड़ा विजय होने वाले हैं? यहाँ से 3-4 लाख वोटों से विजय होने वाली है विजय चोपड़ा की, अनिल जी चोपड़ा की। अगर राव राजेंद्र सिंह यहाँ पे आते हैं और लगातार ताल ठोकते हैं तो क्या लगता है कि जनता का मूड जो है हाल फिलहाल कांग्रेस ही है, लेकिन कहीं चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? इधर ही है कांग्रेस की तरफ मूड, सब देख लिए 10 साल के अंदर। इन्होंने 15 साल MLA रखे, देख लिया, कुछ भी काम नहीं करवाया 15 साल में। कौन MLA? राव राजेंद्र सिंह जी, 15 साल MLA है, कुछ भी काम नहीं करवाया, सारा काम एक कांग्रेस का किया हुआ है। शिक्षा, स्कूलों की व्यवस्था, जो इंग्लिश मीडियम बनी है, मीडियम सिर्फ कांग्रेस ने खुलवाई, इन्होंने तो बंद शिक्षा को बंद करने में एक ही राका, GST 3% है, एक शिक्षा की किताबों के 18% ले रहे हैं, ये बीजेपी का ही कारनामा है। और क्या है, इन्होंने नारी शक्ति में मणिपुर का हाल देख ही लिया होगा आपने, मणिपुर में ये मणिपुर का मैं नहीं ले रहे, हाथरस कांड देख ही लिया, अभी BHU में जो काम हुआ है, 3 इन्हीं के बीजेपी के गुर्गे थे, तीनों ने यहाँ कांड करके MP में बीजेपी का चुनाव प्रचार के लिए चले गए, वापस आ गए, खुले घूम रहे हैं सारे। हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में है, ED में उनको सिकंदा कस दिया है, शराब नीति को लेकर क्या कहेंगे आप? शराब नीति में तो इन्होंने उससे चंदा लिया है, बीजेपी ने चंदा लिया है, अरविंद केजरीवाल वो निर्दोष आदमी है, उसको जबरदस्त जेल में डाला। यदि अरविंद केजरीवाल मोदी वॉशिंग मशीन में आ जाता तो वो भी साफ होकर इनके साथ लग जाता, वो नीट एंड क्लीन हो जाता, लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में नहीं आया। सापुरा से किसकी जीत मान रहे हैं आप? अनिल चोपड़ा की जीत होगी यहाँ से। लगभग कितने वोट? 5 लाख से। लगता है आपको कि इस बार अनिल चोपड़ा जीत के जाएंगे तो कहीं ना कहीं विकास कार्य करवाएंगे? बिल्कुल 100% विकास कार्य कराएंगे, आज के दिन तक यहाँ साबरा का विकास ही कांग्रेस ने करवाया, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। बीजेपी जब विपक्ष में बैठी थी तब लगातार मुद्दे बना रही थी, शिक्षा को बना रही थी, युवाओं के रोजगार को और महिला सुरक्षाओं को लेकर। हाल फिलहाल बीजेपी उसी मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई है राजस्थान प्रदेश में, क्या लगता है आपको? इन्होंने IIT कॉलेज कितने खोले? एक भी नहीं खोला है, सारे कांग्रेस के थे। रेल बेच दी, शिक्षा बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या रखा है जनता के लिए? सारा सामान बेच चुके हैं। अब लोकल की बात कर लें, यहाँ के विधायक की बात कर लें, तो विधायक को और सांसद दोनों के समीकरण क्या कहते हैं आप?
विधायक यहाँ किसे कांग्रेस है, मनीष यादव हाल फिलहाल कांग्रेस है, लेकिन राव राजेंद्र सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो 15 साल में कुछ भी काम नहीं करवाए, यहाँ से विकास का कुछ भी कार्य नहीं करवाया। मनीष यादव विधायक इससे मिलने जाते थे, 11-11 बजे उठता था सुबह, 7 बजे आदमी गया, 11 बजे तक नीचे नहीं आता था, आदमी का कोई शिकायत नहीं सुनता था 11 बजे तक। एक राजाशाही ठाट में रहता था, ना पब्लिक की सुनता था ना कुछ काम करता था। हाल फिलहाल कांग्रेस के मनीष यादव हैं आपके यहाँ पे, ठीक लगते हैं? अब बिल्कुल ठीक है, मनीष यादव ठीक है, यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो अच्छे काम करवाते। इस बार अनिल चोपड़ा की जीत निश्चित मान रहे हैं? निश्चित है, अनिल चोपड़ा 5 लाख वोटों जीते। क्या कहेंगे आप? मैं तो काय कला ऊंचा थोड़ा था, सांसद का चुनाव हो रहा है, कौन जीता रहा? जो राम जीता होगा मेरे तो राव ने बीजेपी में ऐप मना करे जी नहीं, बीजेपी जीत ली और सरकार बन ली मोदी की, मोदी वापस आ सी, हां मोदी की बन ली सरकार, ऐप बना करे जी था साथी, तो खयाई लगो भरपूर कोल लगे, क्या कोल लगे? कोल लगे काई कोल लगे, मोदी जीत लो, मोदी ने वोट मिल ला, ऐ बोला विकास ही कौन करायो? विकास नहीं करा और मोदी ने वोट मिल ला, विकास को मना बोलो, मोदी ने वोट मिल ला और सरकार बन ली मोदी की, अरे आरएसएन हटाओ लो, इन हटाओगे आरएसएन, ऐ नीना तुड़के हो रहा थे ना, इस बार आरएसएन का ठग गई, मोदी जीते हो ना, अरे ऐ चोर चोर कांग्रेस का चोर, बीजेपी बाहर कुछ ऐसे आंको सत्यानाश यादव और मुझे खाऊंगा क्या पाने, आप जीता बेच दिया और छोटा भोगा कड़ा कि सरकार बन ली मोदी की, ते बोला एक कड़े भी लिया डोलान है तो मना करा जी, तो राव राजेंद्र मेरी बात सुनो, विधायक जो था और राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह बेचा बेटा की बेचा राव का बेटा, पहला छो कौन है, छो है पहला छो कौन था विधायक है, पहला विधायक छो कौन था राव राजेंद्र सिंह, हां तो कह 11-11 तो उठ तो वो बहुत तो जीता रहो तब भी जाता, एक ही तो लोकसभा की तो एक ही तो वही भी सांसद तो चुनाव लड़ रहे हो, राव जीत लो आ रहे तो कम वोटों से आ रहे दो नहीं राव जीत लो, मतलब आ तो मानो तो कि आ तो सके थे वो हार सके थे क्यों ही, मैं देखो मैं तो गुजरा के, अरे वो सुशील पायलट यो गुजरा ने बावड़ा बना रहे थे टेस्ट में इस सर्कल में कि 5.5 लाख गुजरा का वोट थी, गुजरा टिकट दियो के 5.5 लाख थे एक समाज का दियो के टिकट यो, मैं तो बावड़ा तूते ते तो ले जाओ खे खे का राव जीते दो, जीते तो थोड़ा बहुत जीते दो, अरे राव भी हार जा ना सरकार बने ली मोदी की, बात मोदी की ना मात बात अरे सांसद की जय राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा की बात हो रही है, चोपड़ा चापड़ा गया चोपड़ा ने तो ये भी खींचे जाट भी खींचे खेल बड़ाई थे कुर्से मारे पायलट साहब आया ना रहबारी बताए तो बताया था रहबारी कि पायलट साहब रहबारी है, तो ये चोपड़ा भाई यहाँ कहते कहते बड़ाई थे इन्हें मारे तो कौन था मारे जाट हम तो गोद को नहीं हो, आप बताओ लास्ट में कौन जीत सी है, कौन जीता वो राव साहब आर भी सके थे नहीं आ रहे को तो कम बोलो आ रहे लोग तो कोई जीत के उम्मीद थे आ रहे वो देखा ला सर तुम लोग काय बोलो, मतलब आ तो मैं जिताया मनीष को, मनीष को जिताया ना हर कौम का वोट कांग्रेस में दिया, मनीष ने मनीष की कई ताकत थी जीत की, 3 बार चुनाव लड़ो 3 साल में यहाँ को जिताओ, जो राजस्थान में दूसरा नंबर रहे हो, राजस्थान में दूसरा नंबर थे अट्टा पड़ोगी तो मानो जगह की कहीं ना कहीं हार सकते है राव राजेंद्र सिंह हार सकते, आ तो मानो जगह थोड़ा बहुत तो हार सकते है, हार तो मान सको जगह कहीं की राजेंद्र सिंह की नहीं कौन बोला तो बिल्कुल ये बीजेपी कैंडिडेट थे और लगातार दावे कर रहे थे, दावे करते नजर आ रहे हैं कि राव राजेंद्र सिंह कहीं ना कहीं विजय होगा, हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, कई नाम आप मंगल गुजर, मंगल जी क्या लागत था ना आप की कौन जीत सी आपका पुणे, अनिल चोपड़ा कांग्रेस हूँ और राव राजेंद्र सिंह बीजेपी हूँ, अजीत चोपड़ो नयो छोरो थे 2000 छोरो पहले से जुड़ोड़ो थे, राव राजेंद्र सिंह जो यहाँ का बूढ़ा आदमी ने कौन वोट दे दो बाल उठगा
बूढ़ो आदमियों को सब परी कौन कर सके है। तो राव साहब ने वोट पी का आप अपना बाप दादा से जो लोडिया पीस पीस किला बना दिया अब और भी बना बाग लाग रहे तो गे है। इन तो छुट्टी करो अब कोई काश्तकार वर्ग कन बनाओ। राव राजेंद्र सिंह का एक्सपीरियंस है दौड़ा ले लिया वो कोई एक्सपीरियंस है राजनीति को का बाप दादा लोडिया तो पिसा पिसा रहा बूढ़ बुजुर्ग का बात कस का और अब भी नहीं दे रहा तो वोट कोई जाट न दो हीन न दो माड़ी न दो गुजर न दो और दूसरा न दो अभी भी कहीं लाग रहे तो गए पिसवा गई लोटी गए आका अब भी हाथ जोड़े थे पग पड़े थे मैं देखा थे बड़ा बड़ा ने लंबा पड़े जहाँ कोई बांधड़ी बैर बन के टाबन ने जिया जिया पग पड़े जहाँ कम अब पड़वा के दमन से लोकतंत्र से आधा था आप आज भी पगम दोग दें तो कहीं मतलब दोग दे बागो है। अब बीजेपी ने कत्ता मरिया भी केजरीवाल को एक सबूती कौन मिले और जेल में मिलती हूँ लेदार है और दौड़ लगा लेते हैं बीजेपी जीत जाती 15 साल होगा पानी बिजली सब फिर एक दिन जेल में मिलती हो। ये शासन थोड़ी है तानाशाही शासन है। कर्नाटक में क्या हो रहा है मालूम है वहाँ के जो सीएम है पदाधिकारी हैं और सीतारमण का ही बोल रही थे इस टाइम में वित्त मंत्री थे जिसने ये कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगी मेरे पास फ्री के पैसे नहीं है। लागे थे कि अब कल तानाशाही सरकार चल रही है तानाशाही बाकी रहेगी के जेल में मिल जाए ईडी सीबी या कर तो कर रहे हो चाहे पीछा न कर रहे हो चाहे बर्बादी के लाग जो आदमी बीजेपी वाला जागन पीछा कम छिंगे बताओ कम से पीछा बीजेपी वाला है तो यहाँ के तो कौन मार रही हो छापो दूसरी पार्टी वाला छापो मार रहे थे सारी पार्टी एक होगी। अब राव साहब गए और मोदी भी गयो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो जो इंडिया गठबंधन जो जिन कर लो ना थोपलो सबकी सर्वसम्मति से बनेगा प्रधानमंत्री। अनिल चोपड़ा में और राव राजेंद्र सिंह में कौन जीत सी कितना वोटों जीत सी बता दो। चोपड़ा जीते लो लाखों वोटों से जीते लो अनिल चोपड़ा। ये मंगल जी थे अपना रिव्यू उन्होंने दिया है जनता जो जनार्दन है उसका रिव्यू हम जानने की कोशिश करेंगे इनके पास भी आएंगे पहले इनसे जो खड़े हैं बीच में इनसे बात कर लेते हैं कैमरा पर्सन से आगे करूंगा दिखाएं एक बार ये जनता आज ही कहीं आई बाबा बताओ। एग्जिट पोल का तो बंद कर रखा है कई दिनों से अभी आई नहीं आज ही देखा हमने कई महीनों से एग्जिट पोल थोड़ी चल रहा है ये समीकरण को लेकर बात चल रही है अपनी एग्जिट पोल इसी को तो कहेंगे जो टारगेट बनाएंगे आप टारगेट नहीं हम लाइव दिखा रहे हैं क्या लगता चलो कोई बात नहीं स्वाद को छोड़िए तो सोच होना चाहिए जो एक बाणिया ने मेल दियो जिन सबूत तो वोट ही नहीं देना चाहिए बीजेपी के मान बाणिया तो सारा नहीं देना चाहिए वोट मैं खेरे दू चौरा को दाड़ी गया वो मोदी हाँ बन बाट लियो उजड़ावा चाहे लगे कटारी और आलोक थे जो बिजली जल मिशन वाला था जंग ना खा गोपी था 10-20 करोड़ और अब से जा बीजेपी में भाई आपने था पुण्य मर जाए अब चलेगा लाल चंद कटारे आ रहे थे जो बीजेपी में जा मिल गया आगो कालो मुंडो कर दो आगो कालो मुंडो कर दो एक आंडी ले काली रही मुंडो थेप देवी को अजी ये बीजेपी में आते ही साहूकार कैसे हो गए क्योंकि ये वो उसका ये जो चोर थे ना ये बीजेपी में गए मोदी क्यों रख लिया उनको साफ हो गए कि वह गद्दे को गंगा जी में नवाड़े से बाबड़ बढ़ जाएगा वो घोड़ा बढ़ जाएगा वो चोर ही रहेगा तो चोरों का तो रखवाला ये खुद है मोदी चोरों की पार्टी हो गई उसको क्यों देंगे वोट ये बताओ विकास के नाम पे वोट मांग रही है मैं तो विकास कर ही नहीं रही है चोरों को काम कर रही है वो तो महिला सुरक्षा शिक्षा को लेकर विकास लगातार दावे किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कोई शिक्षा नहीं कही जो मणिपुर में देखा नहीं था क्या वहाँ पे न्यूज पे भी नहीं गया भी नहीं अभी तो मोदी वहाँ पे मोदी गया भी नहीं वहाँ पे तो अब क्या लगता है कि अनिल चोपड़ा और राहुल अंदर जीतेगा लाख वोटों से 1 लाख वोटों से लाख से ऊपर जीतेगा साहब अनिल चोपड़ा कन्फर्म भाई की बात है पक्की बात लेकिन देखो ये उसके घर जिले में नहीं जीतेगा तहसील में ये राव 10 साल विधायक रह चुका ये 15 साल रह गया लेकिन इसकी अहमता ले गया अहंकार इसको अहंकार आ गया इसमें आदमी को आदमी नहीं समझ रहा है ये ठीक है ये हमारे साथ पब्लिक जुड़ी हुई है सापुरा की लगातार पब्लिक हम दिखा रहे हैं द नगरी मीडिया की स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या लगता है आपको देखो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई
या 10 साल के मायने से यो बिल्कुल नौकरियां तो बिल्कुल खत्म कर दी यो मोदी आए पास बिल्कुल साफ कर दी कांडे सड़ा नौकरी लाग जाए तो शिक्षित हो जाएगा शिक्षित हो जाएगा कहना तो अया चल लोगों ना काम हाँ नौकरी मांग ला जो तो बिल्कुल खत्म कर दी नौकरियां तो यही कारण थे इन्हें बिल्कुल ही बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि साहब 2.5 लाख रोजगार देगा साल का और वो तो 2 करोड़ की भी बात करी जी भाई 2 करोड़ साल का देना वो पूरा ही 2 करोड़ कौन दियो 10 साल में कम कर ला 2 रुपए डीजल का कम कर 2 दिन हड़ताल कर राजी कर दी जनता को 12 रुपए कम करेंगे डीजल पे वेट 1 रुपया भी कम नहीं हुआ यानी वो 10 साल के मायने ही देश को बेड़ो गर्क कर दियो कहवा को मतलब मोदी तो नाम सुही रे वोट को ना हाँ। 40 रुपए लीटर है रही है 100 के लगभग बिक रहा है तो इन्होंने कम क्या किए ये तो पैसे कमा रहे हैं जीएसटी डीजल पे टोल टैक्सों पे शाम को बोरियां भरते हैं हमको मनोहर पर भी जाना पड़ता है तो गाड़ी से पैसे दे के जाना पड़ता है देखो मारे साबरे विधानसभा से तो चाहे कहना 11,000 वोट लिया था काल फिर ज्यादा गला तो 22 ले जाए लो बाकी टोटली अनिल चोपड़ा का जी एक तरफ काम चाहे कोई टेंशन नहीं होना खुल्लो जीते लो नहीं का 5 लाख वोटा सु जीते लो कोई टेंशन को रहा भाई 11 को 22 लिया जाए ला 30 लिया जाए ला बस इस ज्यादा तो ले बासुरिया एक कोड़ी नहीं पड़े ला सारा ही खुल्लो काम थे सापुरा की पब्लिक जो है वो लगातार अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे हैं उनकी समर्थन में लगातार अपना समर्थन देती नजर आ रही है हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग और नेता जुड़ चुके हैं क्या नाम आपका मेरा नाम सुगन चंद कपूरिया है सुगन जी की लागत आपका थाना कुंजीत सिंह काम लोकसभा चुनाव में लोकसभा इंडिया की बात कर दो कि हिंदुस्तान की इंडिया की बात कर ले हमारे साथ इंडिया तो चोपड़ा जीते लो कितना वोटा सु मेरा अंदाजा नहीं है 4.5 लाख वोटा सु राव राजेंद्र सिंह भी लगातार ताल ठोक रहे सर दावा कर रहे थे कि मैं जीतूंगा सापुरा सु ग्रामीण से तो नहीं वो राव राजेंद्र सिंह देखो कैंडिडेट जो खड़ा होता है तो सब जीत के लिए खड़ा होता है हार के लिए कौन खड़ा होता है बाकी जनभावना यही है कि भाई इधर चोपड़ा जी जीत रहे विकास के नाम पे विकास के नाम पे बात यह है जी मोदी जी की जो गारंटियां थी ना वो सारी गारंटियां फेल हो गई और जैसे तेल का भाव कम करने की गारंटी थी उनका जो है ना बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी थी काला धन वापस लाने की गारंटी थी विदेशों से वो जो धन जमा वो वहाँ लाने मतलब किसानों के साथ कुटाराघात किया मोदी जी ने खूब तरह से आज मतलब इतना उसने तानाशाही कर रखी है कोई किसान अपना आंदोलन करके कोई बात कहना चाहे उसको भी बात नहीं दिल्ली नहीं जाने देते बॉर्डरों पे रोक देते हैं कि आप दिल्ली आके अपनी बात कह ही नहीं सकते तो ये सब जनता समझती है और उन्होंने जो तानाशाही रवैया अपना रखा है मतलब उनके पास जाता है वो तो सफ़ेद हो जाता है उनके पास नहीं जाता है वो काला बाजारी करता है असली बात ये है बाघा हाथ लगा लियो तो गंगा ना लियो और बाघे कहने न गए तो बहुत जेल में जाओ ये जो नीतियाँ सब जनता समझ रही है सारी बातों को समझ राव साहब से यहाँ कोई लोकलिटी का चुनाव नहीं है ये तो सेंटर का चुनाव है तो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है जनता तो यहाँ तो सब साफ है कौन आएगा इस बार अब की बार देखो सारे हिंदुस्तान का था हमारे को क्या पता जयपुर ग्रामीण की बात कर जयपुर ग्रामीण में चोपड़ा जी वोटों से वो तो बता दिया ना मैंने 4 के लगभग आप बोलेंगे कुछ किसाना की बात कर लें किसाना को विकास कतो को किसानों को विकास जो कुछ हुआ जो बता दिया जो सारी बात बता दी एक ही बात मिलेगी MSP का जो वादा था उसका अगर मैं किसानों को MSP का भुगतान करूंगा वो गारंटी फेल हो गई जो MSP पे खरीदनी होती है पूरे अनाज की वो पेंशन का साल मतलब उन्होंने सब कोई भी गारंटी मोदी जी ने इन 10 साल में मतलब गारंटी करता है बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़ी बड़ी हुंकार भरता है लेकिन कोई गारंटी का काम एक भी पूरा नहीं किया उसने आज तक बता दो मेरे को कोई गारंटी का काम पूरा हुआ हो तो गारंटी सबकी देता है करता कुछ ने तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत क्या है उन्होंने ये वादा किया था अगर मैं जो है ना तेल राजस्थान सरकार बढ़ते जो है ना राजस्थान में टैक्स कम कर दूंगा मैं तेल का 1 रुपये कम कर दिया और 20 रुपया बढ़ा दिया 1 रुपये कम कर दिया 20 बढ़ा दिया का ही कम कर दियो आज जिस समय यहाँ राज था मतलब 55 रुपये डीजल बिकता था उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय वो तेल बाजार का भाव क्या था आज अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का भाव कम है तो भी 110 रुपये तेल बिक रहा है 400 रुपये का सिलेंडर बिकता था आज 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है गरीब आदमी की ये चमड़ी निकालने की गारंटी ले रहा है और क्या गारंटी ले रहा है सारी गारंटी चमड़ी को देने की है सारे गुजराती पैसे ले लेकर विदेशों भग रहे हैं यहाँ
ये पब्लिक को शोषण कर रहा है। सापरा में ट्रका को धंधो छो मुख्य रूप से और सापरा की पहचान पूरा हिंदुस्तान में ट्रका सोची। आज ट्रक बाजार की स्थिति है, पूरे ट्रक वाले बेचारे कर्जे दाखिल हो गए, मतलब रोजगार देने के बजाय छिड़ गए। हमारे यहाँ बाजार के अंदर हम दुकानदार हैं, धंधा भी करते हैं, सब जो है ना पैसे के लिए तंग है, क्योंकि ट्रकों से पैसा वापरता था, प्रॉपर्टी का पैसा आता था, सब काम होता था। अब वो ट्रक बाजार का बिल्कुल जो है ना धंधा चौपट हो गया। हमारे मतलब आज से 10 साल पहले प्रत्येक घर में 10-15 गाड़ी थी, प्रत्येक घर में काश्तकार। आज सब ज़मीनें बेच रहे हैं, दुआल दी मतलब कर्जे में डूब डूब के सब ज़मीनें बेच रहे हैं ट्रक वाले बेचारे। ट्रकों का क्या करें, डीजल का भाव हो गया, टोल टैक्स इतना लग गया, तो ट्रक बाड़जी का जो धंधा था हमारे शाहपुरा का बिल्कुल फ्लॉप हो गया। ये सारे मोटर मालिक बैठे हैं, सारे मोटर मालिक ये 20-20 गाड़ियों के मालिक थे आज से 5-10 साल पहले, 20-20 गाड़ियों के मालिक, आज एक भी नहीं है इनके पास, और बेचारों की ज़मीनें और बिक गई। वो क्यों ऐसा, इसीलिए हुआ विसंगतियां हैं। तो मोदी जी की जो भी गारंटी थी वो पूरी फेल हो चुकी है, और मोदी जी भी फेल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपकी 400 पार का नारा लगाते हैं, वो तो 400 पार नहीं, सरकारी नहीं बननी उनकी, पेट्रोल डीजल 400 पार होगा। तो ये सापरा की जनता है, लगातार दावे करते नजर आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम हजारी लाल यादव है। बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पहले पटेल नहीं होते थे, जैसे एक गांव में 2-3 पटेल मिलते थे, तो वो क्या करते थे कि औरों को तो पता नहीं, वो नुकतों में कोई को ना कि 14 पटेल बढ़ा देता, पात्र 2 को बढ़ा दे, वो 10 साल चलता। तो ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, एक ही वो रहना चाहते हैं पटेल, अब नए युगों को बताने नहीं चाहते, राजनीति क्या होती है, तो हम तो नए युगों को चुनेंगे, सीधी बात ये है। राव राजेंद्र सिंह के पास एक्सपीरियंस है, इंस्पिरेंस क्या कर देते नहीं इंस्पिरेंस दूसरों को, तो इंस्पिरेशन इसके पास रखेंगे, दूसरों नहीं देंगे। राव राजेंद्र सिंह भाई इंस्पिरेशन उनके पास है, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान को बांटोगे नहीं तो क्या होगा, फिर नए युग तो आएंगे नहीं, फिर कभी ज्ञान तो आपके पास रह गया, वो डोलो दखाखाता पेशगारी करता रहो, यही बात है ना। ते नया छोरा 31-31 साल का कई दिन काम करेगा किसके, तो वोट अनिल चोपड़ा को देंगे, किसके जीतेगा, 3-4 लाख उसे और 10-12 सीट आएंगी कांग्रेस की राजस्थान के अंदर। चलिए बहुत अच्छी है ये तमाम जो पब्लिक है। एक और नए मेहमान जुड़े हमारे साथ, क्या आप मालेराम यादव है? मालेराम जी, लगातार दावे किए जा रहे हैं, इधर कांग्रेस दावे कर रही है, इधर बीजेपी दावे कर रही है, क्या लगता है इस बार? सब तानाशाही मचा रखी है बीजेपी और खूब जच के। अब जैसे ये मोदी जी हैं, हर आदमी को कभी तो ईडी में डालता, कभी उसमें डालता, मुख्यमंत्री को नहीं बख्श रहा है ना, व्यापारियों को नहीं बख्श रहा, किसी को नहीं बख्श रहा है, इतनी जबरदस्त तानाशाही मची हुई है, जबरदस्त। आप बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कह रही है? बिल्कुल भी नहीं दी साहब, बेरोजगार हैं, 3.5 महीने हो गए हैं बदनलाल सरकार को, अभी कुछ भी नहीं हुआ, परीक्षाएं जो हैं कोई निखाड़ी नहीं है, जो भर्तियाँ हुई हैं उन पर पहले घोटाला हुआ था, कांग्रेस ने भी घोटाला किया है, अब बीजेपी भी उसी के भाई है, दोनों हैं। इस बार कौन जीतने वाला है? देखो इस बार क्या है कि सापरा ग्राम है, सापरा की बात है, मेरे से ज़्यादातर कांग्रेस का ज़्यादा पलड़ा भारी लग रहा है यार, अभी तक। अनिल चोपड़ा कितने मतों से जीतने वाला? करीब 3-3.5-4 लाख वोटों से जीते। हाँ हम, मैं खुद पहले बीजेपी में था सर, लेकिन अब जो जनता का माहौल है ना वो इस टाइम बदलता जा रहा है, धीरे धीरे जनता का माहौल बदलता जा रहा है, बीजेपी से लोग बाग नाराज हैं और नया नवयुवक जो काम करने वाला हो उसको चुन रहे हैं। तो लगता है कि इस बार अनिल चोपड़ा जीत कर अच्छा विकास करवाएगा? हाँ आशा तो ऐसी है कि भाई विकास करवाएगा, सरकार तो खैर अब आगे किसकी बनेगी क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो नवयुवक में जोश है वो ज़्यादातर चोपड़ा की तरफ, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। हाँ नवयुवक मंडल जितना भी है ना वो सारा जनता में एक डरा चला हुआ है कि जीतने के बाद में कैंडिडेट भूल जाता है और अपनी मस्ती मस्त हो जाता है। ये बात तो सही है सर, अनिल चोपड़ा भी कहीं नहीं हो सकता है। सुनो कांग्रेस राज्यवर्धन जी सांसद थे हमारे, यहाँ से मंत्री भी बने थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस वो उसका राज्यवर्धन जी का एक भी काम, अगर एक भी रुपया यहाँ लगा हुआ हो, हमारे खोरे गाँव ग्राम पंचायत पड़ती है, एक भी रुपया लगा हुआ हो ना तो आपका वो कर दे। उन्होंने उस टाइम चुनाव लड़े थे, वोट मांगने के लिए आए थे, उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं आप जब भी बुलाओगे तो मैं आपके सामने उपस्थित खड़ा रहूंगा, लेकिन उनके जीतने के बाद में एक बार भी वो शक्ल में नहीं दिखाई, ये पहुँच लो पूरे। हाँ हमने वोट दिया खुद को, राज्यवर्धन जी को वोट दिया हमने, मोदी जी को वोट हमने दिया है ना, लेकिन
हुआ कुछ भी नहीं। बच्चे 35-35 साल हो गए पढ़ाई करते, एक बच्चा जयपुर रहता है उसका खर्चा लगभग 10-12 हज़ार रुपये एक बच्चे का है, अब दो बच्चे रहे तो 25 हज़ार रुपये पड़ता है, वो कहाँ से लाएंगे जब बेरोजगारी बेरोजगार हम हैं, मजदूरी करते हैं, कहाँ से उनको पढ़ाएंगे, और फिर कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ हो जाता है, हैं क्या करेंगे बच्चे बताओ। तो कुल मिला के यह है कि देखा जाए ना तो दोनों ही पार्टियां मामा बाण जाते, वो मामा हो जाता है तो कभी बाणजा हो जाता है। ये बात हाल फिलहाल की स्थिति क्या कहती है? हाल फिलहाल की जो अभी मैं भी फील्ड में था, लेकिन ज़्यादातर चांस अनिल चोपड़ा के हैं, कांग्रेस के हैं, नवयुग मंडल जो है वो ज़्यादातर कांग्रेस के साथ अनिल चोपड़ा के साथ लगा हुआ है। तमाम जनता जो है जनार्दन है और उसका रिव्यू हम ले रहे हैं लगातार, क्या लगता है? चोपड़ा जीत लो जीत 5 लाख वोट आसू राव राजेंद्र सिंह आसू हार गया सब राजेंद्र सिंह भी घंटी काट रहा है, जनता दुखी होगी, गाड़ी दुखी से ताना सही रात से ए चोरा ने तो मायने को सो लिया थे। सबसे बड़ी बात तो यही है जो चोर था ना पहली का भी दायक जान तो मायने को सो लिया, अरे जनता समझो को नहीं के जनता को कतरो शोषण कर रहे थे, इन्हें करोड़ों रुपया तो पानी की योजना ने खाका, और जो जेल में पड़े आते रहे विधायक दार बम घुस का इंडिया तो अनिल चोपड़ा जीत लो साहब गाढ़ा दुखी होगी जनता। अनिल चोपड़ा अनिल चोपड़ा 5-5 जगह ठाई पक्की। तो ये जनता है जनार्दन है साफ कहा है, तो साफ कह दिया है इन्होंने कि इस बार जो अनिल चोपड़ा है कांग्रेस के ग्रामीण से उम्मीदवारी कर रहे हैं वो लगभग जीतते हैं 4-5 लाख वोट उनको जिताने में लिए, क्या कहेंगे आप? अनिल चोपड़ा जी वैसे अच्छे इंसान है, नेगेटिव नहीं उनमें पॉजिटिव सोच है, और ये वो नेता हैं जो नेगेटिव सोच से चलते हैं, और अनिल चोपड़ा कम से कम 3 लाख वोटों से अभाव करेंगे कम से कम। क्यों? क्योंकि इनमें काबिलियत है नेतागिरी की और अच्छे नेता है। हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारे मतलब पेपर मतलब ड्यू हो रहे थे उसको हमारी हेल्प करवाई थी, वैसे अच्छे इंसान है। तो पास नहीं 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 हमारी वैसे मतलब जो मतलब वो गए थे मतलब ड्यू में थे और उसमें मतलब वो होती है ना वो रिटोटल होता है उसमें पता नहीं क्या होता प्रॉब्लम हो गई थी, एक दो नंबर से हमारे वो हुई थी उसमें रिटोटल हुआ था। तो गलती किया ना उन्होंने? नहीं नहीं रिटोटल में गलती हो जाती है, रिटोटल में गलती हो जाती है जो तो सही होती है ना, रिटोटल में गलती नहीं होती है टोटल में हो जाती है। मैं समझ गया, मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा था, और कोई जो हमारे साथ अपनी बात साझा करना चाहे, क्या नाम आपका? पुष्कर शर्मा। पुष्कर जी क्या लगता है इस बार चुनावों को लेकर, युवाओं की बात कर ले आप, युवा हैं? युवा हूँ मैं, बात सही है आपकी, लेकिन आज का जो माहौल है युवाओं के कैडर का माहौल है, आज जो हमारे देश में चल रहा है यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा वगैरह उसके आधार पर तो बीजेपी आएगी साहब दोबारा, क्योंकि आधार वो कुछ है नहीं, आधार निराधार है सब कुछ, क्योंकि जो वोट बैंक था कांग्रेस का वो किसक गया, आज जैसे जो हलचल हुई है छाबड़ा विधानसभा क्षेत्र में उससे बहुत फर्क पड़ा है। हलचल हुई है, हलचल जैसे मान लो जैसे टीम आलोक बीनवाल हट गई, ग्रुप कई चेंज हो गए यहाँ पर, खाली एक टीम मनीष यादव रह गई, और भी आप जानते हो पूरा यहाँ का जो दृष्टिकोण है। अभी तक आप अभी 20 मिनट से 30 मिनट से मैं लगातार सर्वे कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ पब्लिक से, तो 99% कांग्रेस को जा रहे हैं आप? जा रहा है वोट जा रहा है, लेकिन आप जब फील्ड में घूमेंगे ना देखो क्या होता है, जैसा माहौल होगा ना वैसी चर्चा होंगी, अभी धीरे धीरे आप घुसोगे ना जिस घुसोगे मार्केट में तो उसका निकलेगा भाई, छाछ अलग होती है, दूध अलग होता है, घी अलग होता है दूध की ही तीनों प्रोडक्ट, लेकिन अलग अलग निकलता है उसमें से। आरोप राव राजेंद्र सिंह पे आरोप है कि 11 बजे उठना और रात सही काम को, इस दुनिया के अंदर आरोप प्रत्यारोप आप किसी के ऊपर लगा लो आप सिद्ध कौन करेगा उसको, आप तो जाते नहीं उनके जनता के अलावा कुछ करने वाला नहीं है, जनता तो जनता है साहब, जनता जनार्दन है, वो जिताएगी वो जीतेगा। अनिल चोपड़ा जी का बैकवर्ड ये है कि वो इस मार्केट में भी नए हैं, बाकी राव राजेंद्र सिंह जी 3 बार भी विधायक रह चुके, 1 बार सांसद चुनाव लड़ चुके, अब वो जीतेंगे कितने वोट जीतेंगे कह नहीं सकते, बाकी जीतेंगे जरूर वो कन्फर्म है। हाँ कन्फर्म है, चाहे वो 1 वोट जीते हैं लेकिन जीतेगा जरूर राव राजेंद्र सिंह, ये तो मैं ना कहीं ये भी मानते हैं कि अनिल चोपड़ा टक्कर में तो है, टक्कर में तो वैसा मैं बताऊँ आपको, आप जो कह रहे हैं टक्कर, लाख वोटों की हार जीते मान लेना,
लाख 80,000 वोटों के लिए हार जीत है, ये मैं कह रहा हूँ क्लियर। बाकी राहुल सिंह गोली गेट निकलेंगे, हाँ बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम जो जनता है यहाँ पे, कोई बीजेपी का पक्ष में है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। हाल फिलहाल का समीकरण जो है वो उठापटक का है और 99% जो है वो भी कांग्रेस को वोट में जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि किस प्रकार से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों के द्वारा, राजेंद्र सिंह की बात करें जो बीजेपी ग्रामीण से लड़ रहे हैं जयपुर ग्रामीण से, और बात करें अनिल चोपड़ा की जो कांग्रेस जयपुर ग्रामीण से लड़ रहे हैं, कितने वोटों से एक दूसरे को हरा पाते हैं या फिर लगातार जो ये समीकरण है वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।